मंगो की उड़ान है, आशाओं का आसमान, सेवा का लक्ष्य महान, संग सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 Namaskar, Om Shanti. विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा पर चलने के लिए नियम और संयम की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसी से ही हमारी जीवन रूपी यात्रा सुरक्षित रह सकती है। और यही बात लागू होती है सड़कों पर जब हम अपनी कार्स को लेकर निकलते हैं, या फिर वो व्हीकल्स, चाहे वो बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं। उस यात्रा को भी सुरक्षित बनाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन अक्सर करके हम ये देखते हैं कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। और इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर रिस्पेक्टेड कविता दीदी जी। आपका इस एपिसोड में पधारने के लिए तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे लिए सरकार सेफ्टी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, और कहीं ना कहीं उनका हम बहुत ज्यादा उल्लंघन करते हैं, हम उसका महत्व नहीं देते हैं उन चीजों को जी। तो क्यों इम्पोर्टेंट है हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना? सबसे पहली बात तो ये कहा जाता है कि द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज विजिबल फ्रॉम इट्स रोड्स। या कि कोई भी जब आता है तो उस देश का कल्चर क्या है, सबसे पहले वहां एंटर होते ही वहां का रोड डिसिप्लिन कैसा है, उनका वहां से ही थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता कि यहाँ पर हमें कैसी एक्सपीरियंस होती है। राइट राइट। तो कहीं कभी किसी ने कह भी दिया कि भाई अगर लाल लाइट देख लेते हैं और आप रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन विच कंट्री यू आर इन। वेरी ट्रू। तो इसीलिए ये हमारा कल्चर किसी भी फॉरेन टूरिस्ट को भी, या एक स्थान से दूसरे स्थान अपने देश में ही कोई व्यक्ति जाता तो उसके कल्चर की फीलिंग, वो फ्लेवर उसको वहाँ की सड़कों से आने लगती। जब भी कोई कायदा बनता तो उसको फॉलो करने में अपनी व्यक्तिगत बेनिफिट होती, केवल एक एनफोर्समेंट के रूप में उसको प्रैक्टिस करना ये तो और बात है, बट उसके बेनिफिट को समझकर उसको प्रैक्टिस करना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आर सेल्फ डिसिप्लिन। वेरी ट्रू। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम रास्ते पर भी जा रहे हैं तो बोर्ड्स भी लगे होते हैं, साइंस लगे होते हैं कि आप ड्रिंकिंग मत करिए, ड्रिंक करके आप गाड़ी नहीं चलाइए, या स्पीड लिमिट्स की बात करते हैं, लेकिन अक्सर करके हम लोग उस स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। शायद इसमें ऐसा हो सकता है कि वी आर नॉट अवेयर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे आप स्पीड लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट का साइन पोस्ट लगाने के पीछे एक रीजनिंग है, एक मीनिंग है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है जी। कोई व्हीकल है yes. तो हर व्हीकल की अपनी एक लिमिट है कि जिस लिमिट में व्यक्ति उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सकता है। इफ वी क्रॉस दैट लिमिट तो व्यक्ति का उसको समय पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और ना केवल व्हीकल की अपनी लिमिट है, लेकिन जो सड़क बनी हुई है उस रोड की भी, जो कंस्ट्रक्शन है उसकी भी अपनी लिमिटेशन। वेरी ट्रू। कई बार हम रोड मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते, बट उसकी ऑपरेशंस, उसकी हैंडलिंग कैसे हो रही है, जो उसकी लिमिट्स है उसके आधार पर वो स्पीड लिमिट बनाई हुई जी। है, एंड हम एक जिम्मेवार नागरिक होकर के उस स्पीड लिमिट को अडियर करते हैं। सो वी आर एक्सटेंडिंग आवर कोऑपरेशन फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द थिंग, रादर इनडायरेक्टली, बट हमारी ये कोऑपरेशन है।
और केवल व्हीकल और सड़क की ही नहीं, लेकिन हमारी अपनी आई साइट की, हमारी अपनी विजन की भी कोई ना कोई लिमिट जरूर है. हमारा जो फील्ड ऑफ विजन है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. जितना हमारी स्पीड ज्यादा होगी उतना हम जो साइड से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना हमारे लिए टाइम कम मिलता है और हमारे लिए रिएक्शन टाइम कम हो जाता है. सो जहाँ पर एक्सेस है रोड साइड रोड्स की वहां पर स्पीड लिमिट्स इसीलिए भी लगाते हैं सो दैट ह्यूमन आई साइट की जो विजन है हम देख सके कि एक अप्रोचिंग व्हीकल या अप्रोचिंग पर्सन साइड रोड से है. लेकिन शायद इन सब बातों को सोचने के लिए हमने कभी ख्याल नहीं कभी किया, गौर नहीं किया इन बातों पर. एंड इसीलिए स्पीड लिमिट्स आती है, इंडिकेटर्स आते हैं, बट हम उसको फॉलो नहीं करते. जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने. और स्पीड लिमिट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं चौराहों पर हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड सिग्नल्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन रेड सिग्नल्स को भी तोड़ देते हैं. यही हमारे लिए कितना नुकसानकारक हो जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि एक सेकंड की भी हमने अगर जल्दी कर दी दैट सेकंड कैन बी इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ समबडीज लाइफ. तो हम उस वैल्यू को अवेयर नहीं रहते हैं कि भाई इसमें हमारी जो जीवन है वी आर पुटिंग आवर लाइफ एट स्टेक और कितनी सी जल्दी के लिए. जी जी जी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर हम गाड़ी को 40 किलोमीटर स्पीड पे चलाते या 50 किलोमीटर पर आवर पे चलाते हैं. ओवर अ सेट डिस्टेंस जो अल्टीमेट टाइम डिफरेंस है जो इस दोनों स्पीड्स में आता वो तो बहुत कम मिलता है. बट हो सकता है कि उस दौरान उस जर्नी में वो स्पीड लिमिट मेंटेन करने से हम अपने जीवन की और हमारे अपने जीवन के साथ साथ दूसरे जो पेडेस्ट्रियंस हैं या दूसरे व्हीकल्स हैं, को ट्रैवलर्स हैं, उनकी हम लाइफ को सेफ्टी देने के लिए वी कैन बी इंस्ट्रूमेंट. जी, लेकिन इस चीज पे हम गौर नहीं देते हुए और रेड लाइट्स भी जंप कर लेते हैं. हाँ, जैसे कई बार ये भी होता है रोड्स खाली पड़ी हुई है और रेड सिग्नल है, तब मुझे ये लगता है कि जब सब सारी रोड्स खाली पड़ी हुई है तो कोई आ ही नहीं रहा, तो मैं अपनी गाड़ी को ले जाऊं. अगेन दिस कनेक्ट्स बैक टू द फर्स्ट थिंग कि जैसे स्थान का कल्चर उसके रोड से पता चलता, इसी प्रकार से एक व्यक्ति का कैरेक्टर उन बातों से पता चलता जब कोई उसको देख नहीं रहा. जी, क्योंकि अब देखते हैं हम कि भले उस रोड पे कोई नहीं जा रहा है लेकिन अचानक कोई जानवर आ गया या अचानक कोई भी व्यक्ति आ गया तो उस टाइम पे उसकी लाइफ को खतरा हो जाता है. तो अगर कोई रूल बना है उसको फॉलो करने में मेरी अपनी बेनिफिट तो जरूर है, बिकॉज मैं अपने आप में एक प्रैक्टिस, अपने आप में एक अच्छी आदत अपना रहा हूँ और आई कैन बी एन इंस्पिरेशन टू मेनी. इसमें वैसे भी हो जाता जब किसी को ट्रैफिक लाइट जंप करते हुए देखते हैं तो दूसरा व्यक्ति जरूर ये सोच सकता कि इफ एक्स वाई जेड जंप कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता. लेकिन हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखते कि अगर हम कोई ये सोचे कि अगर एक्स वाई जेड ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहा है मैं क्यों नहीं फॉलो करूं. ये कल्चर हम एक इंडिविजुअल भी एक इंस्पिरेशन हो सकता है कि जो दूसरे उसको फॉलो करे, बट दैट इंस्पिरेशन टू टेक लीड एंड बी द चेंज, बी द एग्जांपल, ये इंस्पिरेशन हमें अपने आप में जगाना हो. हम अक्सर करके यही करते हैं, मेरे साथ ही वो एक व्यक्ति फॉलो कर रहा है उसको मैं नहीं देख रहा, जो तोड़ रहा है मैं उसको देख रहा हूँ. राइट. और जैसे हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो मैं सीट बेल्ट्स की यहाँ बात करूंगी कि सीट बेल्ट्स भी जो है कंपल्सरी है आजकल, लेकिन कई जो लोग हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस समझते नहीं है. वो आजकल इनफैक्ट डरते हैं, वो ये कहते हैं कि सीट बेल्ट सिर्फ इसलिए लगाना है कहीं मेरा चालान ना कट जाए. उसको ये नहीं पता कि मेरी सेफ्टी इसमें छुपी हुई है. तो ऐसे में हमें क्या अपने अंदर ऐसी मानसिकता या ऐसी सोच हम अपने में डेवलप करें. इसमें ऐसा है कि भाई लव और लॉ का एक बैलेंस जितना हम अपने लाइफ में मेंटेन करते हैं कि हम लॉज को फॉलो भी कर रहे हैं बट एक एनफोर्स्ड लॉ है उस एनफोर्समेंट के हिसाब से नहीं, लेकिन हम अपने जीवन से प्यार करते हैं और क्योंकि हम अपने जीवन से प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपने परिवार जनों से प्यार करते हैं, इसीलिए हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. जैसे आप बात कर रहे हैं सीट बेल्ट की, अ सीट बेल्ट इंडीड प्रोटेक्ट्स. हाँ, शुरुआत में किसी को ऐसे लगता है कि हमारी मूवमेंट्स को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है. जो लोग इसको यूज करते हैं वो महसूस करते हैं इन केस ऑफ एन एमरजेंसी ब्रेक द सीट बेल्ट रियली प्रोटेक्ट करती है. और अगर वो इमरजेंसी ब्रेक में ही प्रोटेक्ट कर रही है
So in the case of a collision, it really saves you from the impact. लेकिन इस चीज को अगर हमने उतनी value दी, अपने जीवन से हमने उतना प्यार किया, तो हम उस चीज को अपने लिए follow करेंगे. अगर एक enforcement जब चलान कटने वाली बात कर रहे हैं, वो अगर किया तो वो तो हमने किसी और के लिए किया. फिर हम वही बात आ जाएगी कि जब कोई ट्रैफिक कॉप अराउंड नहीं है या ऑफ आवर्स है, उस समय पर हम इसको यूज नहीं करेंगे. बिल्कुल. हमने एक रिनाउंड बिजनेसमैन का फर्स्ट एक्सपीरियंस ये सुना था जी, कि वो एक ट्रैवल कर रहे थे, सीट बेल्ट पहना हुआ नहीं था, एंड सडनली उनको क्या इंस्पिरेशन आई, उनको हुआ कि नहीं, आई शुड बकल अप. He put on his seat belt. Okay. और अनायस कहते हैं कि उसी समय पर within 2 minutes of putting on the seat belt, there was a tremendously big accident. Oh. और कहते हैं कि उस एक्सीडेंट में अपने कार में वो खुद he was the sole survivor. वही बचे. Yes. वो एक ही बचे. क्यों? क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी. तो वो तो अपना इत्तफाक कह रहे थे कि पहना नहीं था, कौन सी इंस्पिरेशन मुझे आई, मैंने सीट बेल्ट पुट ऑन किया एंड आई वाज सेव्ड, माय लाइफ वाज सेव्ड. वेरी ट्रू. लेकिन इस चीजों में ऐसा है कि अगर एक बार गलती कर दी, हमको दोबारा शायद चांस भी ना मिले कि हम अपने आप को करेक्ट कर सके. सीट बेल्ट्स के अलावा भी जैसे टू व्हीलर्स की हम बात करते हैं तो आजकल हेलमेट्स बहुत कंपलसरी कर दिए गए. अगेन वही बात है कि मुझे हेलमेट इसलिए डालना है कि कहीं मेरा चलान ना कट जाए. राइट. इसी फियर से हम लोग टू व्हीलर्स को भी लेकर के निकलते हैं. हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, सो देयर आर सो मेनी यूथ एस्पेशली इन द एक्टिव फेज ऑफ देयर लाइव्स बिटवीन 15 to 44 years ऑफ देयर लाइफ, और वो लोग की जाने सबसे अधिक जा रही है व्हेन दे आर राइडिंग ऑन अ टू व्हीलर. और उसमें भी कॉज अगर देखे, टू व्हीलर कलिजन्स होते हैं और उन्होंने अगर हेलमेट नहीं पहना, हेड इंजरी हुई और हेड इंजरी की वजह से दे लॉस्ट देयर लाइफ्स. ऐसे केसेस भी होते हैं. तो ऐसे यंगस्टर्स जो इतना रैश ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ही हम स्पिरिचुअलिटी को, ह्यूमन वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द सोशल कॉज ऑफ रोड सेफ्टी. किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि फॉर सेफ्टी इज अ Not a gadget, but a state of mind. Yes. कि सेफ्टी हमारी मन की स्थिति है, ये कोई गैजेट नहीं है. हाँ. और वो मन की स्थिति को मैं कैसे मैनेज करता हूँ या करती हूँ, वो मेरे अपने हाथ में है. अगर ये थ्रिल जो मुझे मिल रहा है ओवर स्पीडिंग से, इफ आई हैव अ बेटर थ्रिल इन द प्रैक्टिस ऑफ स्टेबिलिटी, तो मैं उस थ्रिल के लिए नहीं अटेम्प्ट करूंगी. बट कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जो इनर वैल्यूज है, जो इनर कोर एक्सपीरियंसेस है, पीस के, पेशेंस के, कर्टसी के, उन वैल्यूज से हमारी लाइफ में हम वो थ्रिल का या वो खुशी का, वो आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हम बाहर सड़कों पर सोचते हैं कि ओवर स्पीडिंग ही हमारे लिए सच्ची थ्रिल है. हमें ये महसूस होता है कि जितना हम कर्टसी से दूसरे रोड यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, जितना सेल्फ कंट्रोल से हम अपने व्हीकल को ऑपरेट करेंगे, उतना मुझे अपनी जर्नी जो है, अपनी यात्रा जो है, वो एक आंतरिक आनंद का अनुभव देगी. हाँ बिल्कुल. हमने देखा है कि अक्सर करके यंगस्टर्स ये लोग रेस करते हैं, तो क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए, ओवरटेक्स है ये सब है. राइट. ये हमारे इंटरनल, हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं. हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना है, ना कि किसी दूसरे के साथ हमें अपने को कंपेयर करना है. ये तो हमें एक लाइफ का लेसन है कि जो हमें हमारे ट्रैवल टाइम पर हेल्प करता है. सपोज आई एम ट्रैवलिंग ऑन द रोड, मैं अपनी जर्नी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करता हूँ, लेकिन इफ समबडी ओवरटेक्स मी और उस समय मेरा फोकस अपने आप से छूट करके दूसरे पर चला गया, तो हम सोचेंगे कि अब उसने मुझे ओवरटेक किया तो मुझे भी करना है. अब जब तक मैं उसको ओवरटेक नहीं करूंगी, आई हैव लॉस्ट द जॉय ऑफ माई जर्नी. वेरी ट्रू. समझो मैंने एक रेड लाइट ही देख ली, जहाँ पर वो व्यक्ति, तो उसने गाड़ी रोक ली, बट आई थॉट दिस इज माई अपॉर्चुनिटी, आगे कर लेगा. Yes. और इट कंटिन्यूज. सो इसमें जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस थी, वो मैंने अपनी जॉय गंवा दी और आई एंटर्ड इनटू अ कंपटीशन व्हिच इज जैसे आपने अभी फोकस की बात की, तो मुझे याद आया कि अक्सर करके जो लोग हैं वो मोबाइल फोन्स हाथ में होता है और एक हाथ में स्टीयरिंग होता है. जी, और आजकल एक ट्रेंड ही बन चुकी है. यस. तो आजकल आई थिंक सबसे ज्यादा एक्सीडेंट तो इस वजह से हो रहे हैं.
और इतना अवेयरनेस भी जो है गवर्नमेंट कर रही है और हमारे एनजीओज हैं वो भी करते हैं कि मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, फिर भी नहीं समझते हैं जी। अगर मेरे ड्राइविंग के टास्क को करते हुए मैं साथ साथ किसी दूसरे के साथ मोबाइल फोन पर भी इंटरेक्शन करने लगूं, आई एम यूजिंग द सेम फैकल्टीज वंस अगेन, वही डिसीजन मेकिंग पावर में यूज कर रही हूँ, वही एनालिटिकल एबिलिटीज में यूज कर रही हूँ, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि अगर आप एक साथ दो टास्क कर रहे हैं तो पर टास्क की जो आपकी एफिशिएंसी है रिड्यूस हो जाती है, जो है वो तो रिड्यूस हो जाता है। और इसीलिए मोबाइल पे बात करते करते द टॉक कैन बी समथिंग विच इज वेरी इम्पोर्टेंट ऑल्सो, सो हो सकता है आप और उसकी सोच में गहरे चले जाते, पूरा कंसंट्रेशन ही वहीं चला जाए, आपका फोकस कब शिफ्ट हो जाता आपको पता भी ना चला। एंड इसीलिए द सजेस्टेड थिंग इज इधर अगर आपके साथ कोई को ट्रैवलर है तो आप अपना फोन उनको दे दीजिए कि हम कुछ समय बाद इसको बात कर सकते हैं, हम और अगर इतना इम्पोर्टेंट है यस वी कैन पुल ओवर, हम साइड में थोड़ा देर हॉल्ट करके बात कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है हाथ में मोबाइल रखना तो ठीक नहीं है, ब्लूटूथ से ही हम गाड़ी में ब्लूटूथ सिस्टम फिट करा लेते हैं या फिर ईयरफोन से सुन लेंगे वो ठीक है, तो कहाँ तक जस्टिफाई है, क्या ये राइट है ये रॉन्ग है, आप क्या कहेंगे? अब यही एनालिटिकल एबिलिटीज की बात है कि हम कहाँ तक अपने आप को मल्टीटास्किंग में एफिशिएंट समझते हैं या नहीं समझते हैं, कहाँ तक हमारी प्रायोरिटीज है, क्या हम अपने कार्य को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं या हमारी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमें शायद एक दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम वो कार्य फिर से कर लें जी, लेकिन अगर इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ क्रैश इफ आई लूज समथिंग, इफ इट रियली डिसेबल्स मी और आई फिजिकली हैंडीकैप्स मी और समबडी एल्स आल्सो, तो ये तो एक ऐसी बात हो गई जो लाइफ लॉन्ग मुझे एक अफेक्ट उसका बना रहता है। तो ये इट इज अ रादर पर्सनल डिसीजन कि मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, बिल्कुल मेरी अपनी समझ है। जैसे मान लीजिए मैं अगर ठीक ड्राइविंग कर रही हूँ लेकिन कई बार जो मेरे साथ वाला है वो पीछे से इतनी स्पीड से आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, कहीं वो मुझे हिट कर देता है, तो अब हम ये सोचते हैं कि हम तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी कर रहे थे लेकिन हमारा नुकसान जो है सामने वाले व्यक्ति की वजह से हो गया। आजकल ऐसे अक्सर बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी अवेयरनेस कितनी है, क्योंकि आजकल हम हमारे जो व्हीकल्स है उसमें हर प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है, रेयर व्यू मिरर तो एक बहुत बेसिक चीज है। अगर हमें कहीं ट्रैवल करते करते वी आर एन अवेयर ड्राइवर और हमें ये पता चलता कि शायद जो फॉलो कर रहा है वो व्हीकल एंड उसकी मूवमेंट से हमें थोड़ी सी भी ये फील आती है कि भाई प्रोबेबली दैट ड्राइवर इज अ रैश ड्राइवर, तो हम साइड ले करके दो मिनट रो स्लो डाउन हो करके उनको आगे जाने दे सकते हैं। तो ये हमारी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है और इसीलिए जरूरी है कि हम दूसरी चीजों पर फोकस न करें, लेकिन जब एक इम्पोर्टेंट कार्य ड्राइविंग का कर रहे हैं तो हम उस कार्य पर अपने आप को फोकस्ड। डाइवर्जन की बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज और भी याद आ रही है, एडिक्शन की, ड्रिंक करके वो चला रहे हैं, ड्रग्स ले लिए तो करके ऐसे चला रहे हैं, कैसे उनकी सोच में बदलाव आना चाहिए कि इट्स नॉट फेयर। अब इसमें ऐसे है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल में है, तो वन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल वो क्या एक अपनी पेन भी अच्छी तरह से पकड़ पाता है? यस। अगर उस समय हम उनको कहें आप अपनी सिग्नेचर हमें दे दीजिए या सिंपली आप अपना नाम भी हमें लिख दीजिए, बट बिकॉज दैट पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल वो अपना नाम भी ठीक तरह से साइन नहीं कर पाता, हाथ ही उसका हिलता रहेगा। सो जब हम इतना छोटी सी एक पेंसिल को या एक पेन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हाउ अबाउट मैनेजिंग एन एंटायर व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। और इसीलिए हमें अपने आप से ये समझना है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये मेरे लिए और दूसरों के लिए कितना डेंजरस है। जी 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 जी। अक्सर करके देखा जाए तो समझता हर इंसान है कि मुझे शराब के नशे में वाहन चलाना नहीं है। हाँ। लेकिन उस समझ को शक्ति के रूप में अपने जीवन में उसको इम्बाइब करने के रूप में कैसे ट्रांसफर करना है, वो मुझे एनर्जी जो है वो पावर जो मुझे है वो अपने पॉजिटिव थॉट्स से मिलेगी। तो वो पॉजिटिव थॉट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, क्या वो हम सोचे ऐसा? राइट। उसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे एक समय पर जो कार्य करना मुझे उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है जी। ये कार्य मैं कोई एक रूटीन नहीं कर रहा, मजबूरी से नहीं कर रहा,
लेकिन वो मेरी अपनी चॉइस है। Yes. तो मुझे उस कार्य के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उसको भी प्रैक्टिस करना है, और जिन जिन बातों से मुझे रिफ्रेन करना है फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उन चीजों से उस समय मैं दूर रहता हूँ। तो जहाँ पर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, तो आई नो मुझे किस समय क्या करना, मुझे किस समय पर क्या नहीं करना, बस मुझे उसको प्रैक्टिस करने के लिए वो मोटिवेशन और वो इंस्पिरेशन होने की जरूरत है। एंड नॉट जस्ट एडिक्शंस, दूसरे भी जो कॉजेज बन रहे हैं एक्सीडेंट्स के, फॉर इंस्टेंस आज टेक्स्ट करते करते वो यात्रा करते हैं, या ईयरप्लग्स प्लग करते करते बातें करते हुए यात्रा कर रहे हैं, और आसपास में क्या व्हीकल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उसकी कंप्लीट अवेयरनेस ही खो जाती है। एक यंग बॉय, फर्स्ट डे कॉलेज में वो गए थे, फर्स्ट डे कॉलेज अटेंड करके वो रिटर्न हो रहे थे, रिटर्न होने पर होते हुए ही वाज टॉकिंग टू हिज फादर विद द ईयर प्लग्स प्लग्ड टू हिज मोबाइल फोन, और ओवरब्रिज न यूज करते हुए वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे। अब बातें करते करते वो कॉलेज से रेलवे स्टेशन पहुंच गए, रेलवे स्टेशन से अब ब्रिज न यूज करते हुए, पुल न यूज करते हुए रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, अचानक ऑनलाइन विद हिज फादर कम्युनिकेशन जारी है, और फादर को एक ट्रेन का सायरन सुनाई दे रहा है। फोन पर फादर अपने बेटे को कहने की कोशिश कर रहे, बेटा तुम कहाँ हो, तुम ध्यान से चलो, क्या आवाज आ रही है, लेकिन बेटे क्योंकि उसने ईयरप्लग्स ईयरफोन्स लगाए हुए थे उसको वो ट्रेन की सायरन सुनाई नहीं दे रही। और बात करते 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 ही फादर ने पहले सायरन सुनी और फिर देयर वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट। माय गॉड, हिज सन, ही लॉस्ट हिज सन। देखिए आज कितना हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और पल भर में ही देखिए क्या से क्या हो जाता है। जी, और हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं है, शायद हमें इसकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी नहीं है। अभी मैं यूएसए की ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी और कहा कि अमेरिका में हर रोज ऑन एन एवरेज 12 से 16 वर्ष की आयु के युवक, एवरी डे द यूनाइटेड स्टेट्स लूजेस 12 टीनेजर्स ड्यू टू अ रोड ट्रैफिक क्रैश। और अगर इसको हम रिलेट करें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू वन क्लासरूम इन द कंट्री एवरी 2-3 डेज। तो ग्लोबली जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हो रही है, एवरी 20-25 सेकेंड्स समवेयर ऑन द रोड्स ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। और हम इसकी अवेयरनेस को छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी गुड प्रैक्टिसेस से, छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करने से हम इस रेशियो को कम कर सकते। क्या क्या सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो हम इन चीजों से बच सके? इसमें हमारे जो भी ट्रैवल के रूल्स बने हुए हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, और बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने भी उसको रूल्स को डिफाइन किए हुए हैं। सो वन एस्पेक्ट इज कि जो भी रूल्स बताए हैं उन रूल्स को हम न केवल उसकी जानकारी रखें लेकिन हम उसको फॉलो करें। एक जगह में नियम तोड़ सकती हूँ तो दूसरी जगह भी तोड़ सकती हूँ। वेरी ट्रू। और वैसे तो कहा जाता हम कभी भी नियमों को तोड़ ही नहीं सकते। कितनी अच्छी बात आपने कही है कि हम नियमों को नहीं तोड़ते हैं, हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं और हम कहते हैं हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ दिया। आज नेक्स्ट जनरेशन क्या सोचेगी, लेकिन ये तो हर एक व्यक्ति खुद ही सोच सकता है कि कोई भी चीज जब एनफोर्स हो जाए तब करना पड़े तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंपल्शन। और इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी प्रोसेस है जिसको समझ सकते हैं टू सम अप कि भाई किस प्रकार से कोई भी चेंज, वेदर इट इज अ बिग चेंज और अ स्मॉल चेंज, तो कोई भी चेंज है वो धीरे धीरे एज सटल शिफ्ट्स बनते बनते वो एक बड़ा चेंज भी सामने नजर आता है। छोटा भी चेंज है तो भी उसमें एक प्रोसेस है, अगर कोई मेजर चेंज है तो उसमें भी एक प्रोसेस है। और कोई भी चेंज को अगर हम देख लेते हैं उसका डीप कनेक्शन हमारी अपनी अवेयरनेस के साथ है। क्योंकि सबसे पहले होती है हमारी अवेयरनेस। जैसी मेरी अवेयरनेस होती है वैसी मेरी एटीट्यूड बनती है। Yes. अगर मैं अवेयर हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मुझे सेफ्टी के साथ यात्रा करना, तो मेरी एटीट्यूड ये होगी कि मैं रूल्स को फॉलो करूँ।
जैसी मेरी एटीट्यूड है वैसी फिर मेरी विजन बनती है कि मैं उस ट्रैफिक पुलिस को किस नजर से देखता हूँ, मैं को ट्रैवलर्स को किस नजर से देखता हूँ, मैं ट्रैफिक लाइट्स को या जो साइन पोस्ट्स हैं उनको मैं किस नजर से देखता हूँ. माय एटीट्यूड फ्रेम्स माय विजन. वेरी ट्रू. और जैसे मेरी विजन है वैसे ही मेरे एक्शंस होंगे. राइट. और जैसे मेरे एक्शंस है वैसे ही मेरी दुनिया है. हाँ. तो इस प्रोसेस को जब हम समझते हैं तो हमें ये ख्याल आता कि कैसे इनर अवेयरनेस को जागृत करने से हम वर्ल्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं. ये इसीलिए एक इनसाइड आउट अप्रोच हमने सोशल कॉज को दिया हुआ है. अदरवाइज जब हम रोड सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस करते हैं गैदरिंग्स को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलते हैं, दूसरे लाइक माइंडेड एनजीओ से मिलते हैं, तो कई बार वो हमसे पूछ भी लेते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस क्षेत्र के लिए कुछ कर रही है. इट सीम्स टू बी क्वाइट सरप्राइजिंग. जी. तो हम उनको यही बताते हैं कि हमारी जो अप्रोच है इट इज एन इनसाइड आउट अप्रोच टू द सोशल कॉज. और जब इंसान बदलता तो सारी सिस्टम सारी सोसाइटी क्यों नहीं बदलती. तो आज की जो चर्चा है इतनी बेहतरीन हुई, इतनी अच्छी हुई कि जो भी दर्शक होंगे जरूर ये देख करके सीख रहे होंगे और उसको अपने जीवन में अमल भी करेंगे. आपका इस एपिसोड में पधारने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. ओम शांति. ऐसे बहुत सारे और टॉपिक्स लेकर हम अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत. नमस्कार. ओम शांति.